अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अरोमा ऑफ फूड। तो दोस्तों, आज हम बनाने चल रहे हैं बहुत ही अच्छी डिश, जो कि बचे हुए चावल से हम बनाएंगे। और अब आपको चावल फेंकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बासी चावल कोई खाता नहीं, रात का बचा हुआ हो या दिन का। तो इसको हम बनाए हैं बहुत अच्छी कचरी। देखो, ये कटोरी चावल हमारे पास है, ये रात का बचा हुआ है। इसको हम कुकर में पकाएंगे पानी डाल के। आप भगोने में बना सकते हैं इसको। देखो, हम एक कटोरा भर के पानी इसमें डाल दिए। गैस जला दे रही हूँ। अब इसको हम थोड़ा ऐसे गीला गीला पकाऊंगी। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दे रहे हैं आधा चम्मच। इसको मिला दे रहे हैं चम्मच से। अब देखो, चावल में हमारे उबाल आ गया। इसको थोड़ा हम ऐसे, ये दाल घुटनी इसको हम लोग कहते हैं, घुटनी इससे हम थोड़ा तोड़ दे रहे हैं, ताकि चावल हमारा एकदम टूट जाए और ऐसे पीसा पीसा से बन जाए, पेस्ट बन जाए इसका। इसमें थोड़ा रेड फूड कलर डाल दे रही हूँ हम, ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए, देखने में कलर अच्छा लगे। इसमें कलर डालने से बहुत अच्छा कलर आ जाता है इसका। आप इसमें कोई सा भी कलर डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मस दे रहे हैं इससे हम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो हम नई वीडियो डालें आप तक पहुंच जाए। देखो, पेस्ट हमारा तैयार हो गया बिल्कुल। इसको हम इसी दलगोटे घोड़ दिए हैं। अब इसको हम कुकर से बाहर निकाल लिए हैं कटोरे में। अब चलते हैं छत के ऊपर, इसको हम छत पे सुखाएंगे। देखो, पहले डाल दिए पन्नी एक, उसके ऊपर डाल दे रहे हैं एक दुपट्टा, हम साफ दुपट्टा है बिल्कुल। ये एक कोन बना लिए हैं हम पन्नी से, एक इसी में भर ले रहे हैं इसको। हम भर के ऊपर साइड पकड़ लेंगे तेजी से, और नीचे काट दी हूँ थोड़ा सा। इससे इसको हम ऐसे चक्री बना देंगे इस पे। देखो, इसी तरह से पूरे दुपट्टे पे हम डाल दूंगे इसको, दिन भर सुखवाएंगे पूरा। जो पूरा डाल दी हूँ, थोड़ा लंबे लंबे शेप में भी बना दे रही हूँ। पूरे एक दिन लगा था इसको सूखने में, सूख गई हमारी। देखो, सूख गई है पूरा। देखो, दुपट्टे को ऐसे सिमट सिमट गया दुपट्टा हमारा, इसमें खिंच खिंच गया दुपट्टा पूरा, सूख गई है जब। ये तो कितनी बेहतरीन बनी हुई थी, एकदम करारी। देखो, सूख गया है। अब इसको हम उठा के लाए हैं नीचे। अब इसको हम इसमें छुड़ाएंगे, इससे बहुत आसानी से निकल जाता है दुपट्टे से। ये इसको निकालना बिल्कुल ही आसान है। दो निकाल ले रहे हैं इसको, ऐसे हम निकालेंगे। कितनी बेहतरीन बन गए हमारे ये। अब चावल हमें फेंकना नहीं पड़ेगा। देखो, निकाल के सारा हम रख ली हूँ। अब इसको हम तलूंगी। लड़का हमारा कह रहा था, मम्मी अभी तल के हमें इसको खिलाओ, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो तल के इसको हम थोड़ा सा दिखा दीजिए। इसको हम थोड़ा तल ली हूँ। देखो, ये तला हुआ लेके आई हूँ आपके सामने। ये एक प्लेट में तला हुआ और दूसरे में वैसे वैसे रखा हुआ, बगैर तला हुआ, तो बहुत ही बेहतरीन बना हुआ आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।